नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रवि टेक्नोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परिचारिक सहायक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार में जो है परिचारिक सहायक की बहाली को लेकर कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था और अभी बहुत सारे लोगों को भी ये पता नहीं है कि इस बहाली को लेकर क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है और किस तरीके से बहाली आया हुआ है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक सूचना निकल के आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बहाली को पूरी जानकारी के बारे में पता नहीं है, इस बहाली को लेकर क्या कुछ करवाया जा रहा है और क्या इस बहाली का प्रक्रिया है और इस बहाली का अभी तक क्या हुआ। तो अभी जो है यहाँ पे एक सूचना जारी किया गया है कि किस तरीके से यह बहाली हो रहा है और किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन लिया जा रहा है, सब कुछ मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह जो है एक न्यू अपडेट यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तभी आपको ये सही से समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से बहाली करवाई जा रही है और अभी क्या प्रक्रिया चल रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हौसले भी मिलते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह का अपडेट लेकर आते रहते हैं बहाली से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड। अब बिहार की जितने भी योजना है सभी योजना अब मैं इस अपडेट लेकर आते रहता हूँ इस चैनल पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेपर का कटिंग पड़ा हुआ है और इसी पेपर के कटिंग में ये जानकारी दिया गया है कि विद्यालय परिचारी का सहायक का जो बहाली हो किस तरीके से करवाया जाएगा और अभी जो है फिलहाल इसमें क्या प्रक्रिया चल रहा है, सारे डिटेल्स इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हेडिंग में बताया गया है कि अनुकंपा से भरे जाएंगे विद्यालय सहायक परिचारी का 86 पद। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुकंपा से भरे जाने वाले हैं यहाँ पे 86 पद जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ये अलग डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप पहले भी जानते हैं कि इसमें जो है 50% अवसर जो है अनुकंपा वाले को दिया जाना था और 50% यहाँ पे जनरल वाले को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि जिला परिषद के अध्यक्ष कुमारी अस्तुति की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन स्थित परिषद कार्यालय में बैठक हुई है। अब बैठक के बाद जीप अध्यक्ष ने बताया कि नियोजन इकाई अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के 17 जुलाई 2021 के पत्र के मुताबिक जिले में विद्यालय सहायक के 38 और विद्यालय परिचारी के 137 पद स्वीकृत हैं। इसमें नियोजन के लिए 50% पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि टोटल जो पद है उसका 50% यहाँ पे अनुकंपा के आधार पर नियोजन यहाँ पे होना है, नियोजन किया जाएगा, यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद जो बचेगा उस पर जनरल वाले को 50% पे यहाँ पे नियोजन करवाया जाएगा। और फिर इसमें बताया गया है कि इसमें अनुकंपा पर विद्यालय सहायक 18 और विद्यालय परिचारी के 68 पदों पर कुल 86 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया किया जाएगा। फिर इसमें आगे बताया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए इन पदों पर 145 आवेदन आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुकंपा वालों के लिए यहाँ पे आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है और यह जो है ऑफलाइन तरीके से आवेदन लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको अलग अलग जिले के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम निर्धारित किए गए हैं और जिले के अकॉर्डिंग ये जो आवेदन लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी अपने जिले में जिस जिले से बिलोंग करते हैं जिले से जाकर पता कीजिए कि कब से आपके जिले में आवेदन लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो है पटना का, यहाँ पे देख सकते हैं पटना का अखबार में पटना जिले का ये अपडेट जारी किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो है प्रत्येक जिले में डेट अलग अलग निर्धारित करके आवेदन लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अनुकंपा वाले के लिए आवेदन मांगा गया है, वो भी ऑफलाइन, ये पटना जिले का अपडेट है। तो आप अपने जिले में जाकर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके ऑफिस में पता कर सकते हैं कि विद्यालय सहायक परिचारी का जो वैकेंसी था किस तरीके से यहाँ पे करवाया जा रहा है, अनुकंपा वाले के लिए क्या प्रोसेस है, जनरल वालों के लिए क्या प्रोसेस है। जनरल वालों के लिए हालांकि ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आप अपने जाके जिला में जिला शिक्षा कार्यालय में पता कर सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग जो है आपके जिले के अकॉर्डिंग आवेदन लिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पटना का है, तो पटना में आवेदन इसका चल रहा है। फिर उसमें दोस्तों जो जनरल वाले बच जाएंगे उसके बाद 50% जनरल वालों को यहाँ पे करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अनुकंपा वाले के यहाँ पे आवेदन ले लिएगा, उनका जो लास्ट जो सूची है इस सूची पर यहाँ पे देख सकते हैं 26 जून 2022 से 25 जुलाई 2022 तक शाम 5 बजे तक आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। यानी यहाँ पे आपत्ति जो है इस पीरियड में आप दायर कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसी तरीके से आपको जो है वैकेंसी है अनुकंपा वालों के लिए नियोजन यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद जो सीट बचेगा उसके बाद ही ये जनरल वालों को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो जानकारी है केवल अनुकंपा वाले के लिए निकल के आया हुआ है कि अनुकंपा पे अभी आवेदन लिए जा रहे हैं प्रत्येक जिले में और आप अपने जिले में जाके पता करके आप दे सकते हैं। दोस्तों, जनरल वाले के लिए यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है,
जो जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। जब अपडेट आएगा तो मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और है जनरल वाले के लिए कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम देने पड़ेगा। बहुत ही दोस्तों बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये बहाली, अब इसका जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो अभी अनुकंपा वाले के लिए स्टार्ट हुआ, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अभी अनुकंपा का ही होगा, ऑफलाइन लिया जाएगा आवेदन। उसके बाद जो बचेगा जनरल वाले के ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो आप एक्टिव थोड़ा सा रहिए, अपने जिले में पता करते रहिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जा करके, हो सकता है अंदर अंदर ये हो जाए, आपको पता भी नहीं चले। इसलिए आपको ये अपडेट मैं सोचा कि अच्छा है इसलिए दे दूँ। तो दोस्तों यह एक अपडेट था जो बहुत लोग नहीं जान रहे थे इस बहाली के बारे में कि अभी क्या प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन मैं क्लियर यहाँ पे बता दिया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बताए गए इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। तो संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच पाए।